अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशफाक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो सरे की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आपके जो दिन हैं वो बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको अपना कुर्बानी का जो जानवर हमने लिया है वो दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले वो देखें, बाद में मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कैसा आपको लगा। तो ये है दोस्तों वो बैल छोटा सा, आप देख सकते हैं कितना, आप दोस्तों देख सकते हैं कितना माशाल्लाह प्यारा है बछड़ा, ये किधर जा रहा है यार। जली ना तेरी भी जली ना। तो दोस्तों आपने देखा यही हमारा जो कुर्बानी का हमने जानवर लिया है वो यही है। नहीं। इंशाल्लाह कुर्बानी पर इसकी कुर्बानी करेंगे। मैं पागल हूँ। दोस्तों कुर्बानी वाले दिन वो भी सारा देख लेंगे सारा माहौल, लेकिन आज मैं आया हुआ हूँ अपने नान के दोबारा। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं अपने नानू को घर आया था, तो आज ही फिर दोबारा ही अपने मामू यानी नानक के ख़ानदान में आया हूँ। और क्या कह रहे तुम, ये नीचे पड़ी थी? वाह वाह माशाल्लाह, वो तूने उठाई है? ये आम के नीचे आम पड़े थे पक्के। तो सबसे पहले इसका जो पोस्टमार्टम है वो करते हैं। A few minutes later. कर सकते हैं, ऊपर चढ़ो कोई पक्के आम ढूंढो और इधर से आपको जामन भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पर जामन पर पहुँच चुके तो मेहरबान कर जामन भी आप इकट्ठे कर लें। मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। उमर ओ ले आ ले आ रहा, हाँ नीचे, यहाँ भी देख, यहाँ भी देख, ऊपर वो आम को जो वो हिला रहा है, और ये नीचे उमर भाई ऊपर ये आम को हिला रहा है और ये नीचे उमर भाई आम इकट्ठे कर रहा है। दूसरी तरफ देख, दूसरी तरफ बहुत से नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। दोस्तों आम मीठे हूँ और बहुत हूँ मिर्ज़ा गालिब की तरह, आम का भी मैं भी बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ। अगर आप शौकीन हैं तो आजकल आम का दोस्तों सीज़न चल रहा है, आप खा सकते हैं, लेकिन हैं महंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पानी है ज़ेर ज़मीन वो नीचे हैं, काफ़ी नीचे हैं, तकरीबन मेरे नज़र में 120-130 फुट नीचे है पानी है यहाँ पर। तो इस वजह से जो इसका ट्यूबवेल का जो पंखा होता है वो नीचे होता है, तो हमारे इलाकों में तो ऊपर है पानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहरी इलाका है हमारा ज़्यादातर, ये नहर से ज़रा ये पीछे हैं, मतलब ये इलाका जो मेरा नान का ख़ानदान है, देखो ये बाग भी उनका है मेरे मामू जान का, तो ये ट्यूबवेल भी उनका है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि कितना इनका जो पंखा है वो नीचे पड़ा है, तकरीबन 40 फुट नीचे पड़ा है पंखा, तो इस वजह से क्योंकि वो पानी नीचे है, तो अगर पानी ऊपर होते तो पंखा भी ऊपर होता, तो पानी नीचे है तो पंखा नीचे है, क्योंकि पानी ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से वो खेत जो है वो जल्दी खराब होंगे। नहीं तो खड़ा अच्छा था यार, अफसोस है यार, ये तो अच्छा था खड़ा। चलाइए बताएं यार। दोस्तों हमारे इलाके में आज कोलखानी है, कोलखानी का जो ख़त्म हुआ 10 बजे है, अभी टाइम हो रहा है 9:45 पर, 15 मिनट पहले आ गए हैं, तो अब जाते हैं कोलखानी पर। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारा ये कोलखानी का माहौल, इंशाल्लाह कोलखानी को अदा। खैर और भले।
जाएगा, बंजर बैठ रहा है, बैठ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कोलखानी तो हमें अटेंड कर लिया है, वो अब तो कोलखानी ख़त्म हो गया है। आज दोस्तों इतना गर्मी है, इतनी गर्मी है कि ना पूछो कि कितनी गर्मी है। आज गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज ना कोई हवा है, टेम्परेचर भी तकरीबन अभी 44 पर पहुँच गया, मतलब 44 पर पहुँच गया है। तकरीबन अभी तो टाइम है 10:30 का, तो आगे क्या होता पता नहीं।